कार्यकर्ताओं की भावना थी, कार्यकर्ताओं ने मैसेज किया मेरे को मोबाइल के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, कि आपको आपके साथ पार्टी ने जाती कि आपको चुनाव लड़ना है। इसलिए अभी शक्ति प्रदर्शन, अभी तो मैंने कांग्रेस पार्टी से आवेदन दिया है और एक सेट और दूंगा और निर्दलीय का भी दूंगा और भी सब कार्यकर्ताओं से चर्चा होगी, कार्यकर्ताओं की भावना और जनभावना होगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आपने जिस तरह का आज ये देखने का हुजूम मिला है, तो आप क्या मानते हैं, जो पार्टी ने टिकट वितरण किए उसको आप क्या मानते हैं व्यक्तिगत रूप से? दिग्विजय सिंह के ऊपर भी आपने आरोप लगाए थे। मेरा तो सवाल था कि जब टिकट वितरण की प्रक्रिया चल रही थी, हमको जानकारी लगी थी कि भैरव सिंह परिहार, जो रतनपुरा राजस्थान के निवासी हैं, उन्होंने कहीं मध्य प्रदेश में नाम लिखा लिया अपना और सुसनेर से आवेदन किया। जब हम लोगों ने सुना तो सारे जितने भी स्थानीय उम्मीदवार हैं, हम लोगों ने राजा साहब को एक आवेदन दिया कि माननीय राजा साहब, आप सुसनेर विधानसभा से किसी स्थानीय दावेदार को अवसर दें, टिकट दें, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी झंडा उठाते हैं, पार्टी के निर्देशों का पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति को आप दें। लेकिन फिर जानकारी लगी कि भैरव सिंह का फाइनल हो रहा है, तो हमने उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल के सिफारिश कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जेलों में बंद रहे हैं वो, आप हमारी बात को गंभीरता से लें। यहाँ तक मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी को भी इंदौर में अवगत कराया था इस बात को लेकर, लेकिन उसके बावजूद उसको टाइम नहीं मिला तो उसके बेटे को दे दिया गया टिकट। मेरा यही सवाल है हमारे वरिष्ठ नेताओं से, क्या भैरव सिंह जी का परिवार कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार रहा है? क्या गांधी परिवार से है, शास्त्री जी परिवार से? उसको नहीं तो बेटे को, बेटे को तो बहू को, बहू को तो हाली को, किसी को टिकट देंगे? सोनिया समाज देना था, तो हमारा निवेदन था कि आप सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के, मैं बहुत से सोनिया समाज के व्यक्ति जिन्होंने आवेदन दिया उनको दें, और जिस व्यक्ति को दे रहे हैं वो राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में नहीं, वो देवास संसदीय क्षेत्र में रहने वाला है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की और पार्टी ने उसको अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया। आगे आपका इस संघर्ष कहाँ तक रहेंगे आप, कब तक रहेगी लड़ाई के लिए, किस रूप में देखते हैं इसको?
देखिए, मैंने अभी कहा कि आज तो हमने पार्टी से फॉर्म भरा है, अभी भी हमारा हक बनता है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि अभी और देखें इस मामले को और उसके बाद निर्देश भी भरूंगा, और जनता का जो आदेश होगा, कार्यकर्ताओं की जो भावना होगी उसका पालन करूंगा। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने की बात भी आपने कही थी जी, आप दे चुके हैं इस्तीफा? हाँ, मैंने क्या पूरे जिला का यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के, NSCI के विधानसभा के जो प्रभारी हैं, दोनों मंडी अध्यक्ष और बहुत से कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है इसके विरोध में, उसकी सूची है। देखिए, अब हमने तो सबको अवगत करा दिया था, वो किसने क्या किया ये तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर, आपने भी प्राथमिक सदस्यों से कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और अभी आपने कांग्रेस से यहाँ जी नामांकन जमा किया, वापिस से कांग्रेस ज्वाइन करेंगे यदि आपको? पार्टी टिकट नहीं मिलता, पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि अभी भी हम विचार करेंगे, वो जो निर्णय हुआ है गलत हुआ है, तो अभी इंतजार करेंगे। और मैं बता रहा हूँ कि ये पार्टी की ओर से, क्योंकि हमारा हक बनता दिया, नहीं तो निर्दलीय फॉर्म में 9 तारीख को भरूंगा। दो बार पहले आप निर्दलीय जीत चुके हैं, तीसरी बार अगर हैट्रिक बनती और खिचड़ी सरकार बनती प्रदेश में और भाजपा को कभी आपकी जरूरत पड़ी तो आप भाजपा को सहयोग? काल्पनिक सवाल है।